मध्य प्रदेश के एक पुरातत्वविद जिनके बारे में उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि वह अपने कार्य के प्रति इतने समर्पित रहते थे कि वह अपना भोजन और पानी सब कुछ भूल जाते थे। ऐसे में जब भी वह कहीं पुरातात्विक खोज पर निकलते तो जरूरी संसाधनों के साथ साथ अपनी जेब में हमेशा 4 आलू लेकर चलते थे। इन 4 आलुओं का किस्सा बड़ा ही बेहतरीन है। जब भी कोई पुरातत्वविद किसी खोज पर निकलता है तो वह अपने साथ तमाम प्रकार की जरूरत की चीज़ें लेकर चलता है। उन जरूरत की चीज़ों में भोजन पानी से लेकर सभी प्रकार के संसाधन साथ में रहते हैं जो उस खोज में उनके सहायक होते हैं। इन पुरातत्वविद के बारे में कहा जाता है कि यह अपने साथ कभी किसी प्रकार का विशेष भोजन लेकर नहीं चलते थे। ये अपनी जेब में 4 आलू लेकर चलते थे और जब भी कहीं खोज पर निकलते तो उससे पहले इन 4 आलुओं को वालू रेत में नीचे दबा देते थे और उसके ऊपर आग जलाकर इन आलुओं को पकने के लिए छोड़ देते थे। और देर शाम जब यह अपनी खोज से वापस आते तो उन आलुओं को गड्ढा करके खोद कर जमीन से निकालते और उन 4 आलुओं को ही अपना भोजन बना लेते थे। ये पुरातत्वविद थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर। आज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर आज के वीडियो में हम उनके जीवन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी का जन्म 4 मई 1919 को मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ। बचपन पूरा नीमच में ही डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी ने बिताया, जिसके बाद वह धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और संघ के एक अनुशासित स्वयंसेवक बन गए। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी की प्राथमिक शिक्षा नीमच में ही हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए विक्रम विश्वविद्यालय को चुना। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जहां पर पुरातत्व से संबंधित विशेष पढ़ाई की जाती है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी का झुकाव शुरू से ही इतिहास और पुरातात्विक चीजों पर कार्य करने को लेकर था। वह लगातार ऐसी चीजों की खोज करते थे जिनसे लोगों को वह रूबरू करा सके। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी ने डॉक्टर H.D. साकल्या के नेतृत्व में PhD की पढ़ाई की और उसके बाद वह लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाकर खोज करने लगे। यूं तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी ने देश और दुनिया के लिए कई अहम खोजों में योगदान दिया, लेकिन जिनके लिए उन्हें जाना जाता है वह हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटिका की गुफाएं। 1957-58 में कहा जाता है डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर एक बार रेल से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र भोपाल के समीप स्थित इन गुफाओं पर पड़ी। इन गुफाओं के बारे में जब उन्होंने स्थानीय लोगों से चर्चा की तो उन्हें पता पड़ा कि यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं जो आदि मानव काल के चित्र हैं। उनकी उत्सुकता और बढ़ी और डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी ने यह ठान लिया कि वह इन गुफाओं में जाएंगे। लोग इन गुफाओं के पास जाने से डरते थे क्योंकि यह गुफाएं बीच घने जंगल में स्थित थीं, लेकिन डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी ने किसी प्रकार के भय से दूर होकर इन गुफाओं में जाने का निर्णय लिया। और जब इन्होंने इन गुफाओं की ओर रुख किया तो पता पड़ा कि यह गुफाएं देश और दुनिया के लिए एक अचंभा थी। कहा जाता है इन गुफाओं में जो शैल चित्र बने हैं वह 1,75,000 पुराने शैल चित्र हैं। आज इन शैल चित्रों को विश्व धरोहर मान लिया गया है। वर्ष 2003 में यूनेस्को के द्वारा इन शैल चित्रों को विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया और डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी को इन गुफाओं को लेकर काफी ख्याति प्राप्त हुई। भीमबेटिका की गुफाओं को खोजने के अलावा डॉक्टर बाकड़कर के हिस्से में एक और उपलब्धि आई। उन्होंने विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी को खोजने में एक अहम किरदार निभाया। जब पूरी दुनिया सरस्वती नदी के अस्तित्व को झुटला रही थी, दुनिया का कहना था कि ऐसी कोई नदी पूरी दुनिया के नक्शे पर है ही नहीं, उस वक्त डॉक्टर V.S. बाकड़कर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि आज भी सरस्वती नदी जमीन के नीचे बह रही है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी ने सरस्वती नदी के अस्तित्व पर जब सवाल उठते देखा तो उन्होंने यह निश्चय किया कि वह दुनिया के सामने सरस्वती नदी का सच लेकर सामने आएंगे। जिसके बाद 10 अप्रैल 1983 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर के आग्रह पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में लगभग 18 सदस्यों की एक टोली बनी। इस टोली का जिम्मा था कि वह सरस्वती नदी के बारे में खोज करेगी और दुनिया के सामने सरस्वती नदी का सच सामने
सामने लेकर आएगी। इस टोली के संयोजक के रूप में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर जी की नियुक्ति हुई। सरस्वती नदी की खोज के लिए डॉक्टर बाकणकर ने परंपराओं, लोक कथाओं और लोक मान्यताओं का सहारा लिया। उन्होंने जिज्ञासु शोधकर्ताओं का एक समूह बनाकर हरियाणा से गुजरात तक सरस्वती के लोक श्रित मार्ग में एक माह तक लोक साहित्य के साथ साथ वहां मिलने वाले सिक्के और अन्य साक्ष्यों का संकलन किया। वे सारस्वत सभ्यता पर विस्तार से काम करना चाहते थे जो अधूरा रह गया। वे खुद ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। वैदिक अध्ययन ने उन्हें पुरातत्वविद व्यक्तित्व में सोने में सुहागा कर दिया। उन्होंने वैदिक कथाओं के सत्य को पुरातत्व दृष्टि से प्रमाणित करने का प्रयास किया। इन कथाओं में छुपे प्राचीन भारतीय इतिहास को उद्घाटित करते हुए उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि वैदिक साहित्य व पौराणिक आख्यान भी हमारे इतिहास के सूत्र प्रदान करते हैं। आधुनिक इतिहास इसे नकार रहा है। सरस्वती नदी को दुनिया के सामने लाने का डॉक्टर बाकणकर का यह दृढ़ निश्चय सफल हुआ और आज पूरी दुनिया सरस्वती नदी के बारे में जान रही है। तो उसका एकमात्र कारण है, वो कारण है डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर बचपन से ही संघ के प्रति समर्पित थे। इसी कारण बचपन से ही उनके मन में यह भाव था कि वह अपने देश और समाज के लिए ऐसी चीज़ें सामने लाएँ जिनका उपयोग समाज को सदमार्ग पर ले जाने में हो सके। मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर जी ने संघ के साथ काम किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा सन 1981 में जब सहकार भारती की स्थापना हुई तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर को उसका संस्थापक महामंत्री बना दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर बाकणकर ने सहकार भारती के साथ मिलकर लगभग 50 वर्षों तक जनजाति क्षेत्रों के लिए अमूलचूल काम किया। इसके अलावा लगातार ही वह जनजाति क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, जनजाति पहचान, जनजाति सभ्यता को समाज से रूबरू कराने के लिए वह प्रयासरत रहे। लगभग 50 वर्षों तक डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर देश के अलग अलग जंगलों में भ्रमण करने निकले और उन्होंने इस दौरान तमाम शैल चित्रों की खोज की। ना केवल खोज की बल्कि उनकी कॉपियां बनाई और बाद में पूरे विश्व में इन कॉपियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पुरातत्व के क्षेत्र में काम करने और भीम बैठिका, सरस्वती नदी जैसी खोज करने को लेकर भारत सरकार ने डॉक्टर VS बाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा देश और दुनिया के तमाम प्रसिद्ध सम्मानों से भी नवाजा गया और 3 अप्रैल 1988 को डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर जी की असमय मृत्यु हो गई। जन्म से लेकर मृत्यु तक डॉक्टर VS बाकणकर ने समाज और देश के लिए समर्पित भाव से कई प्रकार की खोजें की। आज भी देश और दुनिया में पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर VS बाकणकर का नाम लिया जाता है। डॉक्टर VS बाकणकर के बारे में दी गई यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। आप आयुध को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।